ये तो बहुत इजी है, लेकिन इसको डिसाइड कैसे करेंगे? तो आता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, चूंकि ये बेस है, बेस की कंडीशन लगाओगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1। इसको ठीक से समझो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो 1 नहीं होना चाहिए। तो तुम जानते हो, अगर याद करोगे तो याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट की फंडामेंटल सी थी कि ये 0 टू 1 होता है, 0 के बराबर तो वो होता है, 1 के बराबर ये कभी नहीं होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ट्रू है, इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पूछता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो अगर ये 1 होता तो हम एक्सक्लूड करते, लेकिन ये 1 होता ही नहीं, इसलिए ये चीज ऑटोमेटिक ट्रू है। मतलब तुम्हें इसे लिखना होगा कि ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो इसके लिए हम लोग कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं आएगा, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। बात फिर इसकी आती है, फ्रैक्शनल पार्ट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कब होता है? जैसा तुम पहले से जानते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी नॉन नेगेटिव होता है, और हमें यहां स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब जिस समय ये 0 होता है उसे हटाना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे कि इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ऑल रियल नंबर्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इक्वल टू 0 जब होता है उसे हटा दो। तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो इंटीजर्स छांटना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा और 0 हमें नहीं लिखना है, तो इसलिए लेना होगा आर माइनस आई, मतलब इंटीजर छोड़ देना होगा। अब इस सेट ए की इंटरसेक्शन तुम यहां से करो, इसकी इंटरसेक्शन यहां से करो, ये ऑलवेज ट्रू है, ये भी ऑलवेज ट्रू है, लेकिन इसमें इंटीजर डिडक्ट करना होगा। तो पहले तुम इस आर की इंटरसेक्शन यहां से करो, देखो आंसर आएगा 0 टू 3। ऑल रियल नंबर्स का जब इससे इंटरसेक्शन करोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन इसमें इंटीजर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो 0 और 3 के बीच जो जो इंटीजर्स हमें दिखते हैं उन्हें एक्सक्लूड कर लो। क्या क्या है? एक 1 है और एक 2 है, इसलिए इसको लेते हैं -1 2। ये मिडिल ब्रैकेट में 1 2 लिखने का मतलब कि ये 1 और 2 जो नंबर्स हैं इस इंटरवल में उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है, या ऐसे तुम तोड़ कर लिख सकते थे 0 टू 1 1 टू 2 और फिर 2 टू 3, ऐसा तोड़ कर भी लिख सकते थे या ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रिजल्ट होता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिजल्ट होता है उसे याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। साइन एक्स और कॉस एक्स ऐसे दो फंक्शन हैं जो ऑलवेज डिफाइंड है, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होते। तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी डालोगे, कोई भी रियल नंबर डालोगे, तो रिजल्ट जो है वो एक रियल नंबर आएगा। इस तरह के और भी कई फंक्शंस होते हैं जो ऑलवेज डिफाइंड होते हैं, उनको याद रखना चाहिए। जैसे मॉड एक्स, ये भी ऑलवेज डिफाइंड होता है। इंटीग्रल पार्ट फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। उस तरह से पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा में तुम्हें पॉलिनोमियल देखा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी ऑलवेज डिफाइंड होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 2 टू द पावर एक्स, 8 टू द पावर एक्स या 8 टू द पावर fx, ये सब फंक्शंस ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। और एक फंक्शन हो सकते हो, वो इस तरह से आता है, टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों भी ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। तो ये सब रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की और जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहले देख लो, साइन एक्स कॉस एक्स ये ऑलवेज डिफाइंड है, टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स ये भी ऑलवेज डिफाइंड है। अब दूसरे फंक्शंस को देखते हैं, जैसे सेक एक्स और टैन एक्स, ये कब डिफाइंड होते हैं? तो देखोगे इन दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस एक्स रहता है, कॉस एक्स जिस समय 0 हो जाएगा, चूंकि वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो ये दोनों फंक्शंस क्या होंगे? अनडिफाइंड हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों को डिफाइन होने के लिए cos x को 0 नहीं होना पड़ेगा, मतलब इसका कंडीशन आएगा कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। और जनरल वैल्यू से तुम जानते होगे, cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर, इसलिए कहते हैं कि sec x tan x आर डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स। तो ऑड नंबर को 2k प्लस 1 से या 2n प्लस 1 शो करते हैं, 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस 0 जाता है, इसलिए ये दोनों अनडिफाइंड हो जाता है, ये याद रखना पड़ेगा। उसी तरह कॉट एक्स एंड कॉस एक्स, इन दोनों के डिनोमिनेटर में तुम देखोगे साइन एक्स आएगा, साइन एक्स जब 0 होगा ये दोनों अनडिफाइंड हो जाएंगे। साइन एक्स 0 होता है मल्टीपल्स ऑफ पाई पर, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर, इसलिए इसकी डोमेन जो होती है वो हो जाती है एक्स एनी रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई, के पाई ये नहीं होना चाहिए, इसे हटाना पड़ेगा, जिसमें के क्या होता है? इंटीजर्स होता है। उसके बाद हम लोग इनवर्स में देखेंगे, ये याद रखना पड़ेगा, sec x एंड tan x आर नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, cot x एंड cos x आर नॉट डिफाइंड एट मल्टीपल्स ऑफ पाई।
उसके बाद हम लोग आते हैं इनवर्स में। तो इनवर्स में तुम देखोगे कि साइन वर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सब कैसे वेरी करते हैं, इनका डोमेन क्या होता है। तो ये साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों की डोमेन होती है -1 to 1। तुम कभी कभी इसके बदले ऐसे भी लिख दे सकते हो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह। सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों की डोमेन दी जाती है एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 के द्वारा। इन दोनों को कंबाइन करके तुम ऐसे भी लिख सकते हो मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो। और अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि tan इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स, ये तो ऑलवेज डिफाइन होता है। sin x cos x ऑलवेज डिफाइन होता है, sin इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स का ये डोमेन, sec इनवर्स एक्स cos sec इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है -1 के लेफ्ट, -1 से लेस और 1 से राइट, इसका डोमेन -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, -1 और 1 इंक्लूडेड रहता है, जबकि sin इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स में डोमेन -1 से 1 के बीच ही रहता है, 1 के राइट और -1 के लेफ्ट नहीं रहता है। tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स जो है वो ऑलवेज डिफाइन होता है। तो इतनी बातों को याद रखो और अब सवाल बनाएंगे हम लोग। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड दो छोटे छोटे सवाल को डील करते हैं। पहला सवाल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x-3 डिवाइड बाई 5। ये इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स की डोमेन क्या होती है तुम्हें पता है कि इसका आर्गुमेंट जो है साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है उसे -1 और 1 के बीच होना चाहिए। इसलिए इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2x-3/5 लाइज बिटवीन -1 एंड 1। और ये बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा -5 लेस देन इक्वल टू 2x-3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर 3 ऐड कर लो, सब में 3 ऐड कर लो, इसमें 3 ऐड करोगे आएगा -2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 8, सब में 3 ऐड करने से ऐसा आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4, ये आंसर आया, ये डोमेन हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी आओगे, लेकिन ये इनवर्स में नहीं है, यहाँ वो दो फंक्शन प्रोडक्ट में और एक डिनोमिनेटर में भी है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे ये कब डिफाइंड है। तुम्हें याद होगा अगर fx और gx दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो पहले दोनों की डोमेन निकालते हैं। इंटीग्रल पार्ट फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड होता है, थोड़ी देर पहले तुमने देखा है मॉड फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, ये सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। इसलिए इसकी डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू r यानी ऑल रियल नंबर। फिर साइन पर आएंगे, साइन फंक्शन भी ऑलवेज डिफाइंड होता है, तुमने पढ़ा था साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसलिए साइन के चलते भी कोई कंडीशन नहीं आएगा, लेकिन इसके चलते आएगा जो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की कंडीशन ये होती है, मतलब हम ऐसा लिखें कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये 0 होता कब है हमें ये पता करना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 इज 0 इफ, ऐसा लिखते हैं बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 इज 0 इफ एक्स प्लस 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज एक्स लाइज बिटवीन -1 to 0। तो अगर x -1 to 0 लेते हो तो ये टर्म 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, पाई बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा और तब जाकर ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन डिफाइंड होने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए था, यानी x इसके बीच नहीं लेना होगा। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा फॉर ऑल रियल नंबर x, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए। इसलिए डोमेन के बारे में हम लोग लिखे हैं कि डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस इंटरवल, ये पूरी इंटरवल ही हटानी होगी, तो ऐसे हटाएंगे इसको -1 to 0। हम लोग निकालेंगे डोमेन साइन इनवर्स सेक एक्स फंक्शन का। तो सबसे पहले कंडीशन लगाओगे साइन इनवर्स इज डिफाइंड इफ इट्स आर्गुमेंट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, या एज ए होल इसका आर्गुमेंट जो है वो उसका मैग्नीट्यूड मॉड लेस देन इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ मॉड ऑफ सेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन तुम जानते हो कि सेक एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 के लेफ्ट या 1 की राइट होती है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड सेक एक्स ये ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। तो ये डिफाइन होने के लिए, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए मॉड सेक एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम जानते हैं कि सेक एक्स की जो मॉड होती है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होती है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करोगे तो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा मॉड सेक एक्स इक्वल टू 1, और तब आएगा मॉड कॉस एक्स, इसके रेसिप्रोकल कर दो मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 1, यानी कॉस एक्स बराबर +-1। जनरल वैल्यू में तुम जब जाओगे तो cos x बराबर +-1 का रिजल्ट होता है x इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई k इंटू पाई, वेयर k इज इंटीजर। तो यही इसका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। अब इस पे आते हैं, इस फंक्शन में ये फंक्शन है tan पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो tan की कंडीशन याद रखनी होगी, tan का भी कब अनडिफाइंड होता है,
तुम्हें पता होगा टैन की जो एंगल है जब जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू होती है ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम इसे इस तरह बनाएंगे, वाई इज डिफाइंड इफ पाई बाई टू इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2k+1 इंटू पाई बाई टू। ये पाई बाई टू तुम कैंसिल कर दो, ये पाई बाई टू कैंसिल कर लो, तो आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 2k+1। 2k+1 क्या है? वो एक ऑड नंबर है और इसके बारे में तुम पहले से जानते हो, ये क्या है? इंटीजर है। कहता है इंटीजर नॉट इक्वल टू 2k+1। इसे दो तरह से बनाया होता है, तो सबसे इजी तरीके में जाते हैं, चूंकि ये इंटीजर है और इंटीजर दो ही तरह का तुम्हारे पास होता है, या तो ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर। तो कहता है इंटीजर नॉट ऑड, तो बच जाता है कि इंटीजर फिर हमें इवन मिलना चाहिए। इसलिए यहां से डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि देयरफॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2k। यहां कंफ्यूजन है तो फिर से रिपीट कर लो कि इंटीजर है, ये इंटीजर ऑड नहीं होना चाहिए, और इंटीजर दो ही तरह का होता है, ऑड या इवन। ऑड को इस तरह लिखते हैं, इवन को इस तरह लिखते हैं। तो चूंकि ऑड नहीं होना चाहिए इसलिए तब क्या बचेगा? इवन होना चाहिए। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जब जब किसी नंबर आई के बराबर होता है, जब जब किसी इंटीजर आई के बराबर होता है, तो एक्स जो होता है ये एक्स आई से आई प्लस वन के बीच लाई करता है। इसलिए हम यहां से लिखेंगे कि ये जो एक्स है वह 2k से लेकर 2k+1 के बीच लाई करेगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी इसको कि पहले पता कर लो कि ये ऑड के बराबर होता कब है। तो तुम पता होगा इंटीग्रल पार्ट अगर आई के बराबर है तो एक्स आई से आई प्लस वन होगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 2k+1 कब होगा? जबकि एक्स 2k+1 से 2k+2 के बीच में होगा। चूंकि ये 2k+1 नहीं होना चाहिए इसलिए एक्स की वैल्यू जो 2k+1 और 2k+2 के बीच लाई करेगी उसको डिडक्ट कर लेना पड़ेगा। तो वो भी एक तरीका है आंसर लिखने का, लेकिन ये इजी ज्यादा है। एक सवाल है जिसमें लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्स्ड अप्रोच है, स्क्वायर रूट भी है, तो सारी कंडीशंस लगाओगे इसमें। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, log x बेस टू ये डिफाइंड होगा अगर x पॉजिटिव हो। तो सबसे पहला कंडीशन तो तुम्हें ये मिलता है। दूसरा कंडीशन इससे मिलेगा कि साइन वर्स कब डिफाइंड होता है। साइन वर्स को डिफाइंड होने के लिए इसका जो आर्गुमेंट है, साइन वर्स के आर्गुमेंट है log x बेस टू, इसे -1 से 1 के बीच होना होगा। और तुम इसे सिंप्लीफाई करो, log हटा लो, ये 2 to the power -1, ये 2 to the power 1, तो आएगा 2 to the power -1 <x>(= 2 to the power n)। यानी x हाफ से लेकर 2 के बीच आएगा, इसे सेट बी मान लो। और फिर एक लास्ट कंडीशन आएगा ड्यू टू दिस स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कंडीशन ये है, साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस टू ये ग्रेटर इक्वल टू 0। याद रखोगे साइन इनवर्स और टैन इनवर्स में एक कंसेप्ट होता है कि साइन इनवर्स यू ये अगर नॉन नेगेटिव है तो यू भी नॉन नेगेटिव होगा, टैन इनवर्स यू अगर वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो उसके लिए भी यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ये बात कॉस इनवर्स के साथ नहीं लागू होती, ये बात केवल साइन इनवर्स और टैन इनवर्स के साथ लागू होती है। तो यहां भी हम कंडीशन लगाएंगे कि साइन वर्स लॉग एक्स बेस टू इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इफ लॉग एक्स बेस टू इज ग्रेटर इक्वल टू 0। उसके बाद तुम लॉग हटाओगे तो देखोगे कि आएगा एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 to the power 0, ये 1 हो जाएगा, यानी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। तो एक तीसरा कंडीशन तुम्हारे सामने आता है, उसे सी कह लो। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए तुम्हारे सामने तीन कंडीशन आते हैं, ए बी सी। ए कहता है एक्स ग्रेटर 0, ये कहता है हाफ टू 2, ये कहता है ग्रेटर इक्वल टू 1। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये कहता है पॉजिटिव इसमें लेना होगा, इसमें कोई निगेटिव है नहीं, इसलिए ए इंटरसेक्शन भी यही आ जाएगा हाफ टू 2। उसके बाद सी कहता है ग्रेटर इक्वल टू 1, तो हाफ से 2 में उन्हीं को लेना होगा जो ग्रेटर इक्वल टू 1 है। इसलिए तीनों का कंबाइंड जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा, 1 <= x>(= 2, और यही हमारा डोमेन है इस फंक्शन का। अब हम लोग एक दूसरे तरह का डोमेन कैलकुलेशन का सवाल पढ़ेंगे जिसमें फंक्शन दिया नहीं रहेगा, लेकिन एक फंक्शन की डोमेन दी रहेगी और उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, और चेंज करने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसका डोमेन निकालना होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन -3 to 2, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है एक्स, वो डोमेन दिया हुआ है इंटरवल -3 to 2 के बीच में। कहता देन फाइंड द डोमेन ऑफ मॉड एफ एक्स। इसी तरह तुम्हारा हो सकता है एफ मॉड एक्स। तो दो तरह के चेंजेस हैं, एक आउटर चेंज है और एक इंटरनल चेंज है। तुम और इस तरह ले सकते हो, फाइंड द डोमेन ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स, फाइंड द डोमेन ऑफ इफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इस तरह से। तो पहले आउटर चेंज वाले को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रिकॉल करो मॉड के बारे में। आज मैंने बताया है कि मॉड ऑफ यू या मॉड ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू, ये दोनों ऑलवेज डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। एक बात याद रखोगे कि जो फंक्शंस ऑलवेज डिफाइंड होते हैं, बाहर से किसी फंक्शन पर अटैच करोगे तो उस फंक्शन का डोमेन चेंज नहीं होता है। मतलब एफ एक्स का डोमेन अगर -3 से 2 है
तो इस एफ एक्स में अगर मॉड लगाओ बाहर से या ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन लगाओ तो उसकी डोमेन नहीं बदलेगी, मतलब मॉड एफ एक्स का जो डोमेन आएगा इसका डोमेन यही रह जाएगा -3 से 2, क्योंकि ये मॉड जो होता है वो ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है, वो इसमें कोई चेंज नहीं ला पाता है। यही चीज इंटीग्रल पार्ट फंक्शन के साथ भी है, इसका भी डोमेन तुम्हें यही आएगा -3 से 2, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट फंक्शन जो है वो ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है। ठीक एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मान लो तुम्हारे सामने फंक्शन ऐसा दे दिया है 2 to the power f(x), तो चूंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 to the power f(x), ये ऑलवेज डिफाइंड होता है, इसलिए यहां भी डोमेन वही आएगा, क्या आएगा -3 से 2। लेकिन जहां इंटरनल चेंज आएगा यहां पर तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये एक्स नहीं रहा, अब एफ का जो इनपुट है वो तुम्हारा इनडायरेक्ट में मॉड एक्स हो गया है, इसलिए इसकी डोमेन तुम्हें निकालनी होगी। तो ऐसे लिखना पड़ेगा दिस इज डिफाइंड इफ मॉड एक्स लाइज बिटवीन -3 and 2। तुम यहां से देखोगे एफ एक्स का डोमेन जो है वो एक्स निकलता है -3 से 2 के बीच में, यहां एक्स के बदले मॉड एक्स है, तो अब मॉड एक्स को -3 और 2 के बीच में आना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही एफ मॉड एक्स का डोमेन आएगा। तो क्या आएगा सॉल्व करते हैं इसको, देखोगे ये पार्ट ऑलवेज ट्रू है क्योंकि मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू -3 ऑलवेज ट्रू होता है, मॉड एक्स नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तुम्हें याद होगा मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, जो ग्रेटर इक्वल टू 0 है वो -3 से तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये इनइक्वालिटी जो है ऑलवेज ट्रू है, मतलब इसका रिजल्ट आएगा